फ्रेंड्स, मैं माई सेल्फ चिंता शर्मा। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे से अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर भी कर दीजिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में। अगर आप ऑलरेडी मेरी फैमिली का हिस्सा है तो प्लीज़ ऐसे ही मेरे साथ बने रहिएगा। आपको पता ही है मैं मेरे चैनल पर ऑलवेज ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करती हूँ एंड जो भी सही होता है वही मैं आपको रिकमेंड भी करती हूँ। हाँ, तो चलिए आज भी ऐसा ही एक प्रोडक्ट का मैं रिव्यू आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ। जी हाँ, जो कि काम करने वाला है आपकी एक्ने प्रोन स्किन के लिए, आपके जो ब्लेमिशेज होती हैं उन पे वर्क करने वाला है, आपका जो अनइवन स्किन टोन होता है उस पे वर्क करने वाला है एंड जो आपकी पिगमेंटेशन है या फिर एक्ने के जो स्कार्स हैं उसके ऊपर वर्क करने वाला है। तो जी हाँ, स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। एंड जिस प्रोडक्ट की मैं बात कर रही हूँ वो है कॉरिक का। लुक एट दी गाइस, दिस इज़ द प्रोडक्ट कॉरिक। ये एक अपना ब्रांड है एंड इनकी अलग से एक वेबसाइट है। अगर आपसे आपको इन पर का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए होता है तो आप इनकी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं और ऑनलाइन भी ये सभी ऐप पर अवेलेबल है। तो अगर हम बात कर लेते हैं इसकी आउटर पैकेजिंग की, तो ये हमें इस तरह की कार्डबोर्ड की पैकेजिंग में मिल जाता है। 30 ml की क्वान्टिटी में मिलता है एंड जो इसकी नेट प्राइस है 645 इसका नेट प्राइस है एंड 2 ईयर के शेल्फ लाइफ के साथ में ये प्रोडक्ट हमें मिल जाता है। इसमें आपको जो है 10% नियासिनामाइड मिल जाता है। नियासिनामाइड बेसिकली एक्नेक पर जो होता है बहुत अच्छा काम करता है, वर्क करता है। ठीक है, आप लोग भी अगर मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि मैं जो पर्टिकुलर जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जाते हैं मैं उनके डिटेल में जा कर के आपसे रिव्यू शेयर करती हूँ। तो आई होप कि आपको थोड़े बहुत जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको पता ही चल गया होगा कि कौन सा इंग्रेडिएंट जो होता है किसके ऊपर ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, इसमें हमें 10% नियासिनामाइड मिल जाता है एंड जो 1% है जिंक मिल जाता है। इसी के साथ साथ में ही 1% ही आपका सैलिसिलिक एसिड मिल जाता है। ठीक है, एंड जो नियासिनामाइड है आपके एक्ने प्रोन स्किन पे बहुत अच्छे से वर्क करता है एंड जो जिंक है वो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करके रखता है, हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है एंड सैलिसिलिक एसिड का जो वर्क होता है वो आपकी स्किन को हाइड्रेट करके मॉइस्चराइज करने के बाद में जो आपका डस्ट होती है या किसी भी तरह के जो भी ये कह लीजिए जो भी आपके एक्ने होते हैं या फिर ब्लेमिशेस होती हैं या फिर पिगमेंटेशन होती है, अनइवन स्किन टोन होता है, उनको इम्प्रूव होने से रिड्यूस करता है उन सब चीज़ों से ना। तो चलिए हम बात कर लेते हैं इसकी, हम जो है जो इनर पैकेजिंग है उसको चेकआउट कर लेते हैं, देन हम लास्ट में इसके जो है इंग्रेडिएंट्स की बात करेंगे और ये किन स्किन पर बहुत अच्छे से वर्क करने वाला है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जो है ये ऑल स्किन टाइप तो ये प्रोडक्ट नहीं है, तो फर्स्ट लो है जो एक्ने प्रोन स्किन है उस पर बहुत अच्छे से जाने वाला है। सेकेंड थिंग जो है ब्लेमिशेस के बारे में, अगर आपको नहीं पता है कि ब्लेमिशेस होती क्या हैं तो मैं आपको बताऊंगी। जो एक्ने के स्कार्स होते हैं ना, बहुत बड़े बड़े से स्कार्स हो जाते हैं हमारी स्किन के ऊपर, गड्ढे टाइप के, जिसको हम गड्ढा टाइप का बोलते हैं, जो कभी हील नहीं होती है, वो स्किन अब बहुत ही हमें अजीब सी लगती है। कई गड्ढे हो रहे हैं, कहीं हमारी स्किन टोन सही है और कहीं पर हमारे डार्क स्पॉट्स हो रहे हैं, कहीं पर हमारा अनइवन सा स्किन टोन होता है, कहीं पर बहुत ज़्यादा डल स्किन होती है। तो जो ब्लेमिशेज होती हैं वो हम गड्ढे का जो एक रूप होता है उसको हम ब्लेमिशेज बोलते हैं, जो मतलब बहुत मुश्किल से हमें जो है बड़ी पील और पता नहीं बहुत ज़्यादा हमें जो है ट्रीटमेंट लेने पड़ते हैं, जो कि उसके बावजूद भी स्किन सही नहीं होती है। तो ये उसके ऊपर बहुत अच्छे से जाने वाला है एंड सैलिसिलिक एसिड की हम बात करें इसके साथ साथ में जो और भी इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं उसकी डिटेल में हम आपसे भी बात करेंगे। बट हाँ, जो डिटेल इसमें जो लिखा हुआ है डल स्किन का है, एक्ने प्रोन स्किन का है एंड आपका जो अनइवन स्किन टोन होता है उस पर बहुत अच्छे से वर्क करने वाला है एंड जो आपका सन से है, सन से भी ये थोड़ा आपको प्रोटेक्ट करने वाला प्रोडक्ट है। आपको इसको ये इन्होंने बोला है कि किस तरह से इसको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आपको 1-2 ड्रॉप आपको अपने पाम पे ले लेना है एंड ओवरनाइट के अगर आप इसको नाइट में यूज़ करते हैं तो ये बहुत अच्छे से आपकी स्किन पर वर्क करेगा, बिकॉज क्योंकि पूरी नाइट हमें मिल जाती है
अपनी स्किन पर वर्क करने के लिए। तो दो तीन ड्रॉप आप अपनी पाम पर लीजिए, उसको इस तरह से फिंगर से रब कीजिए एंड आप अच्छे से अपने फेस पर ऐसे डब डब डबा करके ना इस तरह से उसको छोड़ दीजिए। बहुत ज़्यादा उसको ऐसे ऐसे करके टाइट हैंडों से उसको नहीं रब करना है, बहुत लाइट फिंगर्स से बोल दीजिए कि आपको मसाज करना है। जो आई का एरिया है आपको उस पर नहीं अप्लाई करना है, ना अपर आई पर, ना ही जो आपका ये लोअर आईज होती है यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। आईज़ को आपको छोड़ देना है एंड पूरे फेस पर आपको अच्छे से उसको मसाज करके ओवर नाइट के लिए छोड़ देना है। मॉर्निंग में आपको अपना फेस क्लियर कर लेना है, ठीक है। तो इनर पैकेजिंग की भी हम साथ साथ में बात कर लेते हैं कि इनर पैकेजिंग कैसा है इसका। तो जो सीरम होते हैं आपको पता ही है कि ग्लास की बॉटल में मिल जाते हैं एंड ऑब्वियसली ये भी एक ग्लास की बॉटल में ही हमें प्रोडक्ट मिला हुआ है, ये देखिए। एंड बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल टाइटन है, ये देखिए इस तरह से इसको ये मिल जाता है, ये ड्रॉपर हमें इसके अंदर मिल जाता है। एंड जो है ट्रैवल फ्रेंडली प्रोडक्ट है, अगर आपकी स्किन पर सूट कर जाता है, अगर आपकी स्किन पर अच्छे से सूट कर जाता है तो डोंट वरी, आप इसको अपने साथ कहीं पर भी ट्रैवल में भी लेकर जा सकते हैं, ये कहीं नहीं जाने वाला है। तो बात कर लेते हैं इसके टेक्सचर की, इसका टेक्सचर किस तरह का हमें मिलने वाला है, देख लेते हैं। वाटर की तरह इसका टेक्सचर मिल जाता है, ये देखिए बिल्कुल वाटर की तरह है, बहुत ही लाइट वेट है एंड ट्रांसपेरेंट है, लाइट वेट फॉर्मूला है एंड बहुत वाटरी जो स्ट्रक्चर होता है ना, बिल्कुल उस तरह से है, ये देखिएगा आप लोग। एंड अगर आपके, मैं ये कहूँगी आप कोई भी प्रोडक्ट आप अगर टेस्ट कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, अगर आप अपने यूज़ करना चाह रहे हैं प्रोडक्ट को, तो आप पहले एक नाइट उसको पैच टेस्ट के लिए छोड़ दीजिए। आप अपने हैंड पर लगा कर छोड़ सकते हैं एक छोटा सा पैच टेस्ट, और अपने कान के बैक साइड में भी आप लगा कर ओवर नाइट आप छोड़ सकते हैं। ये देखिए कितना लाइट फॉर्मूला है और स्किन के अंदर आराम से ऑब्जर्व हो रहा है। तो हाँ, ये देखिए बहुत ही लाइट सा फॉर्मूला है इसका ना, अगर आपको सूट कर जाता है, आपकी स्किन पर सूट कर जाता है तो आप इस प्रोडक्ट को अप्लाई कर सकते हैं एंड रिकमेंडेड प्रोडक्ट है। बिकॉज मेरा स्किन ऐसा नहीं है कि ब्लेमशेज है मेरे फेस पे, या फिर एक्ने स्कार्स बहुत ज़्यादा हैं, या फिर अनइवन सा स्किन टोन है, कुछ इस तरह का मेरा स्किन नहीं है। ये देखिए जो इसका फॉर्मूला है ना, कितना शाइनी सा है और स्किन में एब्जॉर्ब हो रहा है, इजीली एब्जॉर्ब हो रहा है स्किन के अंदर ना, कोई ना चिपचिपा वाला चीज़ नहीं है कि इसमें आपका कुछ चिपचिपा वाला चीज़ आपको इसमें मिल जाती है या इजीली ये स्किन के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता है। लुक एट दिस गाइस, ये देखिए है ना। तो मैं ये कह रही थी अगर आपको ये प्रोडक्ट सूट कर जाता है तो आप इस प्रोडक्ट की तरफ जा सकते हैं। मैं जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी, इसके साथ साथ में इसकी हम डिटेल में हम बातें कर लेते हैं। डिटेल जो है जिस भी किस तरह से आपको अप्लाई करना है और किस क्या क्या इंग्रीडियंट इसके अंदर यूज़ किए गए हैं। तो गाइज हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कॉरिक का, जो 10% नियासिनामाइड ब्लेमिशेस सीरम एंड 1% जिंक एंड सैलिसिलिक एसिड के साथ में ये हमें मिल जाता है फॉर अन इवन स्किन टोन स्पॉट्स एंड स्कार्स के लिए है। डेली बेसिस पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मेरा मानना है कि अगर आप नाइट में यूज़ करें तो ये ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। pH ये मेंटेन करता है 5.7, 30 ml की आपको नेट क्वान्टिटी मिल जाती है। एंड अगर हम इसके प्राइस की बात कर लेते हैं तो ये हमें 645 का प्राइस मिल जाता है, 2 ईयर की हमें सेल्फ लाइफ मिल जाती है। जो है ये USDA का ये टेस्टेड है, वेगन प्रोडक्ट है, नॉन टॉक्सिन है, पैराफिन और ये ऑल दीज थिंग जो होती हैं सबसे ये फ्री प्रोडक्ट है। तो डिटेल में हम इसकी बात कर लेते हैं कि ये हमें क्या कहता है। 10% नियासिनामाइड ब्लेमिशेस सीरम, दिस आउटस्टैंडिंग सीरम वर्क्स टू इम्प्रूव इन अनइवन स्किन टोन, रिड्यूसेस द अपीयरेंस ऑफ लार्ज पोर्स एंड रिफाइन स्किन टेक्सचर फॉर विजिबली स्मूदर क्लियर
एंड रेडियंट स्किन, क्लियर्स अप कंजस्टेड पोर्स एंड हेल्प टू लाइटन मार्क्स एंड डिसकलरेशन बाय एक्सफोलिएटिंग एट अ सेलुलर लेवल, डिजाइन विद अ लाइट एज वाटर फील टू एनहेंस योर स्किन केयर बाय सूथिंग एंड मेकिंग इट सुटेबल फॉर इवन द मोस्ट सेंसिटिव स्किन स्किन कंसर्न्स। अब ये स्किन के लिए किस स्किन को कंसर्न कर रहा है? हाइड्रेटेड स्किन, एक्ने एंड ब्रेकआउट स्किन, ब्लेमिशेस एंड डार्क स्पॉट्स एंड इवन स्किन टोन। डायरेक्शन आपको बता रहे हैं कि किस तरह से आपको ये यूज़ करना है। मसाज अ फ्यू ड्रॉप ऑन टू द फेस एंड नेक, अवॉइडिंग टू आईज एरिया, यूजिंग नाइटनी फॉर द बेस्ट रिजल्ट। हाईलाइट में इसमें क्या डाला है इन्होंने, रिड्यूस द अपियरेंस ऑफ मार्क्स, सूथिंग्स इरिटेटेड स्किन, टारगेट एक्ने एंड ब्लेमिशेस। ठीक है, कॉज जो है इसमें इन्होंने लिखा है कि डिसकंटिन्यू यूज इफ रेडनेस ऑफ इरिटेशन अकर्स, अवॉइड कंटेंट विद द आईज फॉर एक्सटर्नल यूज ऑनली, कीप आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन, स्टोर एंड कूल डार्क प्लेस, दिस प्रोडक्ट कंटेन अ नेचुरल ऑर्डर। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये काम करेगा, फर्स्टली तो जो स्किन के लिए स्किन को हाइड्रेट करेगा, जो डिहाइड्रेशन वाली स्किन है उस पर वर्क करेगा, एक्ने एंड ब्रेकआउट स्किन पर वर्क करेगा, जो ब्लेमिशेज स्किन है, डार्क स्पॉट्स वाली स्किन है उस पर वर्क करेगा, जो आपका अनइवन स्किन टोन है उसके ऊपर ये वर्क करेगा। ठीक है, ये कह रहा है इसके साथ साथ में रिड्यूस करेगा जो आपके मार्क्स हैं उनको रिड्यूस करेगा, स्किन जो इरिटेटिंग स्किन है उसको सूथिंग बनाएगा, और टारगेट करता है किसको, एक्ने और ब्लेमिशेस के ऊपर ये टारगेट करता है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ब्लेमिशेस के ऊपर, ब्लेमिशेस के लिए ये बोल रहे हैं कि ब्लेमिशेस को ये लाइटन करता है, स्किन को ब्राइटन करता है, जो स्किन के आपके पोर्स होते हैं उनको ये मिनिमाइज करता है, जो आपके लार्ज पोर्स हो जाते हैं उनके ये रिफाइन करके स्किन के टेक्सचर को विजिबल स्मूदर बनाता है, क्लियर बनाता है, रेडिएंट यानी कि ग्लोइंग स्किन बनाता है, क्लियर अप करता है, जो आपके बड़े वाले पोर्स हो जाते हैं उनको क्लियर अप करने में हेल्प करता है, उनको मिनिमाइज करने में हेल्प करता है, एंड जो अनइवन स्किन टोन हो जाता है उसको जो आपका डिसकलरेशन होता है उसको एक्सफोलिएटिंग करने में वर्क करता है। जो जो इसका वाटर का जो टेक्सचर है वो इस तरह से बनाया गया है कि आपकी स्किन में आराम से एब्जॉर्ब हो सके। ठीक है, तो हम इसकी जो बात कर लेते हैं, जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स इन्होंने डाला हुआ है, एक्वा सोडियम एस्कॉर्बिलेन फॉस्फेट एल्कलाइन बेंजोइड एंड आपका ग्लिसरीन। ग्लिसरीन आपको पता ही है कि स्किन को स्मूथ करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। इसके साथ साथ में इन्होंने स्क्लेरिया ऑयल का भी यूज़ किया हुआ है, इसमें स्ट्रक्ट के यूज़ किया हुआ है, हाइलियोरोनिक एसिड का भी इसमें यूज़ किया गया है। ग्रेट, तो इसमें आपको और एलोवेरा का एलो का जो है इसमें आपको एक्सट्रैक्ट मिल जाता है, रूट पाउडर है इसके अंदर, कंजेक का जो है इसमें इसमें रूट पाउडर यूज़ किया गया है, एंड इसके साथ साथ में हाइड्रोक्सी का भी इन्होंने यूज़ किया गया है। चलिए, जो मेन जो इसकी मैं इंग्रेडिएंट की बात कर रही थी, मेन जो है आपका जो ये वर्क करता है अच्छे से एक्ने प्रॉन पर और ब्लेमिशेस पर, वो है आपका नियासिनामाइड, 1% आपका जिंक कहा जाता है, एंड सेकंड हमने सैलिसिलिक एसिड की हमें इसमें बात की है। तो मेरा जो ओवरऑल इसके बारे में कंक्लूज़न है वो ये है कि अगर आपकी भाई नियासिनामाइड का एक्ने प्रॉन स्किन है, ब्लेमिशेस स्किन है, एंड डार्क स्पॉट्स आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा हैं, तो मेरी साइड से ये प्रोडक्ट आपको रिकमेंडेड है। अगर आप इस प्रोडक्ट को ट्राई करना चाहते हैं तो आप मेरी साइड से इस प्रोडक्ट को ट्राई कर सकते हैं बिग थम्स अप के साथ में, लेकिन आपको पहले अपनी स्किन पर एक पेस्ट टेस्ट करना होगा, देन आपको उसके बाद में ही इस प्रोडक्ट को अपनी स्किन पर अगर वो आपको सूट कर जाता है तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ओके गाइस,
तो गाइस ये था आज का मेरा छोटा सा रिव्यू वीडियो। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोग लाइक बिल्कुल भी नहीं करते हैं, और प्लीज़ कमेंट डाउन भी कर दीजिएगा। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है तो भी आप मुझे कमेंट डाउन कर दीजिएगा, मैं आपकी क्वेरी का जरूर आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। एंड अगर आपकी अदर क्वेरी है किसी प्रोडक्ट को लेकर के या रिव्यूज़ कराने के लिए लेकर के कि आप इस प्रोडक्ट का रिव्यू कर दीजिए, तो आप मुझे इंस्टा पर भी DM कर सकते हैं। मैं मेरी आईडी यहाँ कहीं पर भी स्क्रीन पर आपके साथ में शेयर कर दूंगी, तो आप मुझे वहाँ पर भी जाकर फॉलो कर सकते हैं एंड DM भी कर सकते हैं। ठीक है, आज का जो गिव अवे का क्वेश्चन रहने वाला है वो ये रहने वाला है कि मैं इस स्टार्टिंग से लेके और एंड तक इस वीडियो में कहीं पर भी इमोजीज ऐड कर दूंगी, आपको मेरे को वो इमोजीज काउंट करके मेरे को इंस्टा पे DM करना है। एंड कुछ ही टाइम बाकी रह गया है गिव अवेज के रिजल्ट के लिए, तो प्लीज़ गाइस थोड़ा सा एफर्ट कीजिए और एफर्ट कीजिए। मेरे वीडियोज़ के लिंक को फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, जैसे भी हो सकता है आप शेयर कर दीजिए। एंड प्लीज़ जजमेंट जो पीपल हैं, जो भी फ्रेंड्स हैं आपके, प्लीज़ उन्हीं को ही इनवाइट करें। फेक आईडीज़ आप मेरे चैनल पर मत लेकर के आए, तो क्योंकि वो YouTube का फॉर्मूला आपको पता ही है, जो फेक आईडीज़ होती हैं वो उनको रिडक्शन में डाल देता है, वो उसको काउंट नहीं करता है, तो चैनल पर भी उसका ना बैड इफेक्ट जाता है। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ में इसी तरह से। तो मिलती हूँ एक और अच्छे से कंटेंट के साथ में आप लोगों के पास में आते हैं। तो चलिए, ओके, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, बाय।